सीरियल परिणीति की बात करें तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि राजीव जो है इस हद तक गिर गया कि अपनी पत्नी को मॉल में छोड़कर वो भाग जाता है। यहाँ परिणीत परेशान हो जाती है। यहाँ परिणीत को ये कह दिया जाता है उस दुकान में कि ये चोर है, ये कपड़े लेकर भाग रही थी। आपको बताते चले कि परिणीत जो है अब आज के एपिसोड में फ़ोन करेगी अपने भाई विक्की को और कहेगी कि राजीव उसे छोड़कर चला गया है, वो यहाँ पर अकेले है। आपको बताते चले कि यहाँ पर विक्की काफ़ी गुस्से में आ जाएगा और वहाँ के दुकानदार से बात करेगा। अब यहाँ ये दिखाया जाएगा कि सगाई हो रही है नीति और राजीव की, दोनों एक दूसरे को वरमाला भी पहना रहे हैं और अपने घुटनों पर बैठकर राजीव जो है वो नीति को प्रपोज कर रहा है और उसे अंगूठी पहना रहा है। लेकिन तब तक नजर पड़ जाती है यहाँ विक्की की। विक्की जो है वो दौड़ा भागा जाता है स्टेज पर, जहाँ वो कॉलर पकड़ते हुए राजीव को नीचे गिराता और कहता है कि इस लड़के के साथ नीति तुम शादी कर रही हो, ये लड़का तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यानी कि परिणीत का पति राजीव है। यहाँ नीति कहती है कि नहीं, ये संजू है। अब आपको बताते चले कि यहाँ पर बहुत हंगामा होता है, जहाँ नीति को ये सच जानने के बाद काफी धक्का लगेगा और फिर अब देखना दिलचस्प होता है कि संजू यानी कि राजीव अपनी बात कैसे रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक राजीव ने ये बात नहीं कही है परिणीत से कि वो उससे शादी सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी माँ वो जमीन लेना चाहती थी, ये शादी एक समझौता थी। लेकिन अब जब विक्की रंगे हाथ पकड़ लेगा राजीव को तो राजीव ये बात कहेगा। देखना दिलचस्प होता है कि नीति का अब क्या फैसला होगा, क्या नीति ये सब जानने के बावजूद भी राजीव से शादी करेगी या फिर नहीं।